आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मऊ के मधुबन में घरेलू झगड़े के बाद एक शख्स ने पत्नी समेत अपनी 6 साल की मासूम और एक दुधमोही बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद आरोपी ने खुद पुलिस को सूचना दी कि उसने अपनी पत्नी और दो बच्चियों की हत्या कर दी है, अब खुद भी आत्महत्या करने जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कस्बे से कुछ दूरी पर नदी के पास पति की बाइक और मोबाइल लवारिस हालत में पाई। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। मोबाइल सेल को तुरंत साइबर सेल को एक्टिवेट किया गया तो लोकेशन सेल आईडी तुर्ती पार थाने का आया। इस संबंध में जब ज्ञात किया गया तो वहां जाकर के पता किया स्थानीय पुलिस ने और थाना उभाव जनपद तेलिया की पुलिस ने। वहां गुजरते हुए मोटरसाइकिल से राहगीर ने यह भी बताया कि एक व्यक्ति अचानक आया और उफनती हुई घाघरा में छलांग लगा दी। इस बात की पुष्टि उस पुल के करीब पान के दुकानदार ने भी की। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी बात को सच साबित किया उसने हत्या करके स्वयं जो है आत्महत्या कर ली है। फिलहाल चूंकि देर से सूचना मिली और अंधेरा था, अभी तलाश जारी है, शव नहीं मिल सका है। मऊ में लखनऊ बलिया हाईवे पर क्लिप निकलने से ट्रैक्टर बेकाबू होकर स्कूली बस से टकरा गया। हादसे में स्कूल बस में सवार 4 बच्चे और चालक घायल हुआ है। आनन फानन में सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया जहाँ उनका इलाज चल रहा है। मेरठ में बीते दिनों एक युवती को जिंदा जला दिया गया था। आरोपी को मेरठ पुलिस तलाश रही थी लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी को मामूली धाराओं में जेल भेज दिया। दरअसल गाजियाबाद के लिंक थाने की पुलिस ने शराब तस्करी की धारा में आरोपी को जेल भेजा है, जिसका नुकसान ये होगा कि मेरठ पुलिस लड़की को जिंदा जलाने के मामले में उससे सीधे पूछताछ नहीं कर पाएगी। साफ जाहिर होता है कि कानूनी पेचीदगियों में फंसकर पीड़िता को जल्द इंसाफ मिलना मुश्किल होगा। गाजियाबाद की विजयनगर पुलिस ने राजीव नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो आरोपी ने बीती 25 अगस्त को अपनी गर्भवती पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी ने पत्नी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई लेकिन सख्ती से पूछताछ के बाद अपना गुनाह कबूल कर लिया। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में दबंगों ने दो बहनों के साथ जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि छात्रा बीती शाम ट्यूशन से घर लौट रही थी, तभी इलाके की रहने वाली एक महिला ने पुराने विवाद के चलते लड़की को घर के अंदर खींच लिया। घर के अंदर दो लड़के भी मौजूद थे। बाद में छात्रा के साथ मारपीट की गई। छात्रा को बचाने आई उसकी बहन को भी पीटा गया। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी है। गाजियाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 13वीं पर भंडारे का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बांदा में एक हिस्ट्री शीटर जिसे परिवार वालों ने कोर्ट में मृत दिखा दिया था, पुलिस प्रशासन भी अपने कागजों में उसे मृत घोषित कर चुका था लेकिन विभाग के दावों की पोल उस वक्त खुल गई जब कमासिन थाने के रहने वाले युवक राजेंद्र ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। दरअसल कागजों में मर चुके रघुवीर सिंह ने अपनी जमीन भी बेच दी और पुलिस को कानोकान खबर तक नहीं लगी। अब पूरे मामले में पुलिस कुछ बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ पे आए थे जिलाधिकारी जी को एक ज्ञापन देने, इसके पहले भी संज्ञान हम दे चुके हैं। एक व्यक्ति है जो हमारे गांव का रघुवीर सिंह का नाम राम है, जो कागजों में तो मृत घोषित लेकिन वो अपनी जमीन जो है दो बार रजिस्ट्री करा चुका, उसी के मामले में संज्ञान दे चुके हैं और पुनः संज्ञान देने आए थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या खेत बिक चुके हैं? जी, दो बार रजिस्ट्री हो चुकी है, अभी कुछ जमीन उसकी शेष। तो क्या अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे? अधिकारी को आपने सूचित किया? जी, हमने रजिस्टर डाक द्वारा भी सूचित किया, आज भी हम मतलब स्वयं सूचित करने आए हैं लेकिन कोई कार्रवाई। अधिकारी क्या कुछ कहें? अभी आप मिले अधिकारियों से? अभी आप हम मिले तो साहब बैठे थे, शायद उनके बाद उन्होंने अप्लीकेशन ले लिया, कहा पुलिस विभाग का मामला है, इसको हम पुलिस विभाग को भेज देंगे, आप जाइए। बांदा में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के बैनर तले सैकड़ों क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और 3 सूत्रीय मांगों से संबंधित राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान SC ST एक्ट का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।